चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। शनिवार सुबह 11:50 में PSLV से C-57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। रॉकेट PSLV आदित्य को पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ेगा। करीब 63:19 बाद आदित्य 235×1,095 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। वह करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। आदित्य L1 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और 5 बार थ्रस्टर फायर कर अपनी ऑर्बिट बढ़ाएगा। इसके बाद फिर से आदित्य के थ्रस्टर फायर किए जाएंगे और ये L1 पॉइंट की ओर निकल जाएगा। 110 दिन के सफर के बाद ये L1 पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। थ्रस्टर के जरिए आदित्य को L1 पॉइंट की ऑर्बिट में डाला जाएगा और ये अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर देगा। आदित्य एक्सपेरिमेंट को L1 पॉइंट तक पहुंचाने में करीब 125 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। ये 125 दिन 3 फरवरी 2024 को पूरे होंगे। अगर मिशन सफल रहा और आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंच गया तो नए साल में इसरो के नाम ये बड़ी उपलब्धि होगी। लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतावली फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच है, जहां सूर्य और पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से दोनों के बीच स्थिर रहता है और एनर्जी भी कम लगती है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि इसरो और सोलर मिशन आदित्य L1 अब तक पेलोड पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते ही अलग हो गया है। फिलहाल इसरो के अनुसार तीसरा चरण अलग कर दिया गया है। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometer, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here. With the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. Now from now, the Aditya L1 will take its journey after some earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point. Very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft.